हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स की तरफ से रिलीज किया गया फैन विक्का ट्रेलर, जिसे देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट तो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के आने के ट्रेलर का मिलता ही है। कैसे, तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ये बात सोनी पिक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फैंस स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर का कितना बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेकिन सोनी है कि इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कुछ रूमर तो ये भी कह रही थी कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से इस फिल्म को इस साल ना रिलीज करने की प्लानिंग भी कर ली गई है, लेकिन बाद में सोनी जापान वालों की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया और फैंस से सॉरी भी कहा गया, ये टीज करते हुए कि वो लोग इस फिल्म के ट्रेलर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी नहीं दी गई है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर कब देखने मिलेगा। लेकिन अब सोनी पिक्चर्स की तरफ से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम पहले तो स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम फिल्म का टीज देख सकते हैं, जो कि डिजिटल रिलीज का है, और साथ ही साथ उस ट्रेलर में ये भी हिंट दिया गया है कि फैंस को पूरी तरीके से प्रिपेयर आने वाली फिल्म नो वे होम के लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी जर्नी अभी तो शुरू होना बाकी है। लेकिन फैंस ने उससे आगे जाकर सोनी पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को खंगाल दिया, जिसमें अनलिस्टेड उन्हें एक और छोटा सा टीजर भी मिला, जो कि स्पाइडरमैन के फैन वीक का है। और इस वीक के ट्रेलर में हमें तीन स्पाइडरमैन नहीं बल्कि टोटल सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स के चार स्पाइडरमैन का हिंट दे दिया गया, यानी कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन का भी, जिन्हें मिलाकर स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी में टोटल 8 फिल्में हो जाती है। और यहाँ पर भी किसी न किसी तरीके का टीज अपकमिंग स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को ही लेकर दिया गया है। और रही बात स्पाइडरमैन के फैन वीक की, तो उसकी भी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये वीक यानी कि नेक्स्ट मंथ से स्पाइडरमैन का नेशनल डे है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को यानी कि 15 अगस्त को स्पाइडरमैन का मार्वल की कॉमिक बुक में सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था और ईयर था 1962 का। और फिर क्या, फैंस की एक और थियरी निकल कर आ गई है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर 1 अगस्त के दिन देखने मिलेगा, जिसके चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि खुद काफी रिलायबल सोर्स डैनियल ने भी ये बात कंफर्म की है कि उनके पास ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर को 1 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा। और यही बात बाकी दूसरी वेबसाइट्स भी कर रही है एक और कंफर्मेशन के साथ, नेक्स्ट मंथ स्पाइडरमैन नो वे होम का ही रहेगा, जिसका पता तो अब आगे ही चलेगा कि ये सारी की सारी रूमर्स कितनी ज्यादा तगड़ी निकल कर आती है। लेकिन अगर आ जाए फिर से फैन वीक यानी कि स्पाइडरमैन पर, तो इन 8 फिल्मों के हिसाब से अगर आप इन सभी की सभी फिल्मों को वीकेंड में डाल दो, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो उस दिन से ये फिल्म 14 अगस्त के दिन खत्म हो जाती है और बचती है 15 तारीख, जिस पर मेरी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और ना ही ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर 15 अगस्त के दिन देखने मिलेगा। लेकिन 15 अगस्त स्पाइडरमैन की सेलिब्रेशन का बहुत ही बड़ा दिन है, ऊपर से फिल्म के मर्ज भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी परमिशन तो सोनी वालों की तरफ से ही दी गई है, वरना कोई भी कंपनी बिना किसी भी प्रोमो के रिलीज होने के पहले अपने मर्ज को बेचना शुरू नहीं करती। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के केस में ये चीज अब हो चुकी है, थैंक्स टू लीक, जो हर बार चीजों को खराब करने में ही काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन आई होप कि इस फिल्म के ट्रेलर के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और रही बात इस फिल्म के बाहर की कंट्री के थिएटर में लगे हुए पोस्टर्स की, तो वो सारे के सारे पोस्टर्स फैन मेड है, ना कि ऑफिशियली बनाए गए, जिसे लेकर आपने मुझे कई बार कमेंट कर पूछा है कि फिल्म के पोस्टर्स कंफर्मेशन दे देते हैं 3 स्पाइडरमैन की, जो कि अनफॉर्चुनेट सच बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी फैंस और स्टेप आगे जाते हुए थिएटर्स के मैनेजर तक को जाकर यही पूछते हैं कि स्पाइडरमैन का वो पोस्टर ऑफिशियल है या फिर फैन मेड, जिसके जवाब में उन्हें थिएटर्स के मैनेजर यही बात कंफर्म कर बताते हैं कि ये पोस्टर ऑफिशियल है, यानी कि उस मैनेजर को ये बात नहीं पता कि फिल्म का ऑफिशियल और अनऑफिशियल पोस्टर होता कैसा है, इसलिए उस बात को मैं किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं मानता। इसके अलावा रेडिट पर फिल्म की स्टोरी की लीक होने के दावे भी किए गए हैं, यही बताकर के क्रू के पास फिल्म की स्क्रिप्ट थी जिसे उन्होंने लीक कर दिया, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर और फिल्म टाइम पर रिलीज नहीं हो रही और उनसे वेट भी नहीं हो रहा था। तो आपको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसा ही कुछ स्पाइडरमैन होमकमिंग के टाइम पर भी हुआ था, यानी कि रिलीज से पहले उस फिल्म की भी बनाई गई कई सारी फेक स्क्रिप्ट, जिसमें आयरन मैन के रिटर्न के आने के दावे किए जा रहे थे और हाँ कैप्टन अमेरिका के भी। लेकिन फिल्म आप सभी ने देखी है, इसलिए मेरा मानना तो यही है कि आपको बस पेशेंट रखकर वेट करना चाहिए इस फिल्म के ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर के रिलीज होने का, जिसकी अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं निकल कर आई है कि एग्जैक्ट इस ट्रेलर को किस दिन और किस तारीख को रिलीज किया जाएगा। कल तो ये थी वो सारी की सारी डिटेल्स स्पाइडरमैन फैन वीक के ट्रेलर को लेकर, जिस बारे में आपने मुझे कई बार डीएम कर पूछा, इसलिए उस पर वीडियो तो बनती ही है, क्योंकि ये एक तरीके का टीज है फैंस को प्रिपेयर होने का, जो ये भी बताता है कि अब स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स में
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।